रही है द न्यूज एक्सप्रेस डॉट कॉम, जनता की आवाज। मध्य प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में भाजपाइयों ने किया उग्र प्रदर्शन। किसानों की समस्या को लेकर भाजपाइयों ने किया प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। बिजली बिल का होलिका जलाकर किया विरोध, सरकार को बताया किसान विरोधी। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, सांसद सहित आधा सैकड़ा कार्यकर्ता गिरफ्तार। जिला मुख्यालय बैडन में किसानों की समस्या को लेकर सीधी सिंगरौली सांसद रति पाठक के साथ भाजपाइयों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। क्लेट के पुलिस बेरी गेट को तोड़ते हुए मेन गेट तक जा पहुँचे कार्यकर्ता। सरकार के इस नाकामी के खिलाफ आज हमारे सिंगरौली जिले की जनता, हमारा किसान, हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम जन आज चेताने के लिए इस कलेक्ट्रेट के सामने सरकार की नाकामी के खिलाफ इस विरोधी में विरोध में धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुआ है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा किसान और आम जन गरीब आदमी इस मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार इस खूटे के मिट्टी में पानी डालने आई है, आगाह करने आई है, चेतावनी देने आई है कि अगर अब नहीं सुधरे तो हिलाकर उठाकर फेंक दिया जाएगा, फिर से उठा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इस नाकामी के और जनता के शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंह पटेल, पूर्व सांसद रीवा, विधायक राम नंदन वैश्य, विधायक सुभाष वर्मा, अमर सिंह, विधायक प्रेमवती खरवार, महापौर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, निगमाध्यक्ष सहित तमाम वक्ताओं ने संबोधित किया। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा के सांसद, विधायक, महापौर, जिलाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को अपनी गिरफ्तारी दिया।